अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे कि हमले होते हैं, देश संभलता है, फिर कुछ बड़ा सुना है? जनसंख्या कानून अगला कदम लाने वाले हैं आप, जिससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, पहली बात ये कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इस मुल्क में पहली बार कोशिशें हुई हैं, बहुत बार कोशिशें हुई हैं। लेकिन वो कोशिशें, हालांकि हम लोग उस टाइम अपोजिशन में थे जब उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ये सारी चीज़ें की, उसके बाद एक नसबंदी लेके आके खड़े कर दी, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, समाज के सभी हिस्सों को इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो जनसंख्या विस्फोट होता है वो मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कानून लाने वाले लग रहा है? नहीं, कानून तो ये कुछ भी ला सकते हैं, कानून कुछ भी ला सकते हैं, मगर ये सवाल का ये जवाब नहीं देते कि इस मुल्क में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इस मुल्क की आबादी का 60% हिस्सा 40 साल से कम उम्र का है, आपने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर दिया ना, वो 2030 तक लास्ट करेगा, किसी भी देश में नहीं है। आपने मुल्क के नौजवानों को क्या दिया? नौकरियां दी, अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका है मैडम, जीडीपी अब माइनस हो चुका है, स्टेट्स को शेयर नहीं मिलता कंपनसेशन का, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में है, हर बर्बाद, सब जो चीजें करने की है ना वो नहीं करेंगे, मगर जिस पे उनको डाइवर्शन होना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट, दिमाग हटाओ बटाओ, वो काम करना चाहते हैं उलझाए रखिए मुल्क को। देखिए क्या है कि मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि अगर आप 14 से लेकर अब तक देखें तो मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया है, बुरे काम कितने किए, अभी आप इनसे 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 लाइन से जुड़वा लीजिए अब आप, आपको वैसी जी की ताली तो चाहिए। मैं इसी लेकर इनको बुरे काम कितने किए हैं ये बता देंगे, सारे जितने काम अच्छे हैं सब बुरे बता देंगे। मैंने तो शुरू में आपको बताया कि अगर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, इम्पावरमेंट के लिए अगर मोदी जी की सरकार ने काम किया है तो इनको एक भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जाते जाते इनको एक क्या सवाल दिखाई इनसे, पड़ेगा? इन इनको दिखाई इन्होंने पड़ेगा इन्होंने कि कहा था सर, आपने कहा था ना कि आप 5 साल में 5 करोड़ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देंगे देंगे ना, बता रहा हूं, मुकम्मल 3 करोड़ 18 लाख दे दिया है और आने वाले पांच करोड़ में देंगे 5 साल अरे सुनिए ना सर, इस साल आपने 150 करोड़ कम कर दिए स्कॉलरशिप के अमाउंट में। सर अरे सर सुनिए आप सुनिए ये सुनिए, क्यों ऐसा आप बातें अमाउंट करते की हैं? चक्कर मत पड़िए, अमाउंट हमारे हाँ पास हाँ कमी नहीं वो नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं, अमाउंट की हमारे पास कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, हारून का खजाना है आपके पिछली पास। बार अनंत है ये 3 करोड़ 18 लाख अनंत है ये अल्पसंख्यक बहस, छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जिसमें 60% लड़कियां थी, ठीक है? इस बार हम 5 करोड़ देंगे जिसमें 60% लड़कियां होंगी, आप सुन दोनों लीजिए का आप। धन्यवाद। और इस वादे के साथ अनंत है ये बहस, जिस जोश से आप लोग कर रहे हैं इसको हम लोग जारी रखें आने वाले जब वक्त मुल्क में भी, में आज तक एनआरसी पर होगा, जब बुलाएंगे आप मुझे, जब लाइन में बिल्कुल आप भी खड़े होंगे हम भी खड़े, बुलाएंगे आप मुझे।